डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम एलगी पेपर में जो वाउचेरिया है और बॉटरीडियम जो दो एलगी दी गई है आपके यूनिट थर्ड में, हम इसे देखेंगे क्या है ये। तो इसको पढ़ने के पहले हम सबसे पहले जो टॉपिक दिया है आपके सिलेबस में, जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेंटोफाइटा, चूँकि वाउचेरिया एवं जो बॉटरीडियम स्पीसीज है वो जेंटोफाइटा जो डिवीज़न है उसके मेंबर है, जेंटोफाइसी क्लास होगी इसकी, ठीक है। तो हमें जेंटोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक्स पहले देखने पड़ेंगे। इसे हेट्रोसाइफोनेल्स ऑर्डर में रखा गया है। ऑर्डर क्या है इसका, गण कहलाएगा हेट्रोसाइफोनेल्स। तो हेट्रोसाइफोनेल्स ऑर्डर के हम इसमें जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखेंगे। जैसा कि स्पष्ट है आपके सिलेबस में, बॉटरीडियम और वाउचेरिया दो मेंबर पढ़ने हैं आपको जेंटोफाइटा क्लास के अंतर्गत। तो इसमें देखिए, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये फ्रेश वाटर एल्गी होते हैं। कुछ इसकी वैरायटी जो है समुद्र में पाई जाती है, कुछ इसमें जो स्थलीय प्रजाति होती है। इसके अलावा यह ट्यूबुलर नलिकाकार आकार होते हैं, इसमें इनमें सेप्टा एब्सेंट होता है। मल्टी न्यूक्लियेट होते हैं और सिनोसिटिक प्रकार का इसमें जो है केंद्रक पाया जाता है। जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, केंद्रक में एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है और जो कि जिसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। लार्ज वैक्यूल के चारों तरफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा। डिस्कॉइड टाइप के क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर ही, डिस्कॉइड प्रकार का। इसमें न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट है और क्रोमेटोफोर में पायरोनाइड एक एब्सेंट है। इसका एक मेन फीचर्स यह है, जो मुख्य लक्षण है क्रोमेटोफोर संरचना में पायरोनाइड एब्सेंट है यहाँ पर बताया गया है। इनमें भोज्य पदार्थ जो है ऑयल ड्रॉप्स के फॉर्म में स्टोर होता है। इनमें स्पेसिफिक टाइप के जो जेंटोफिल पिगमेंट्स होते हैं, अर्थात वर्णक जो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, वर्णक जैसे क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, तो इनमें स्पेसिफिक टाइप के जो पिगमेंट्स है वो प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट्स है जेंटोफिल, जिसमें कि जिन्हें हम साइफोनिन एवं साइफोजेंथिन कहते हैं। जेंटोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है बट इनका नाम जो होगा साइफोनिन होगा और साइफोजेंथिन जिन्हें हम कहते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं उस समय इनमें जो सेप्टा है उसका जो है इन्फॉर्मेशन होता है, अर्थात जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उस समय सेप्टा बनेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें आइसो और ओगेमस टाइप तक का हो सकता है इसमें। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एपेलेनोस्पोर, ठीक है, जूस्पोर, फिर एकाइनेट और सिस्ट द्वारा होता है। फिर इसके अलावा कुछ जो बताया मैंने आपको, इसमें दो फैमिली बताई गई है हेट्रोसाइफोनेल्स ऑर्डर में, टू फैमिली को इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट फैमिली जिसको कि हम कह रहे हैं बॉटरीडियसी एवं वाउचेरियसी, दो फैमिली हमें पढ़ना है। बॉटरीडियम जो मेंबर है आपका, बॉटरीडियम ये जो मेंबर है बॉटरीडियसी फैमिली का, वाउचेरिया हमें पढ़ना तो वाउचेरियसी फैमिली के अंतर्गत आएगा। अर्थात हम यदि बॉटरीडियम पढ़ रहे हैं तो इसके लिए हमको बॉटरीडियसी फैमिली के जो लक्षण है वो याद करने पड़ेंगे। यदि बॉटरीडियम एग्जाम्पल नहीं आता है, सिर्फ ओनली बॉटरीडियसी एग्जाम में आता है, तो आपको बॉटरीडियसी फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना है। मेन इसके देखें वाउचेरिया में, वाउचेरिया का देखें यदि, तो इसका जो डिवीज़न होगा एल्गी कहलाएगा। डिवीज़न ग्रुप जो होगा एल्गी, डिवीज़न इसका जेंटोफाइटा, क्लास जेंटोफाइसी जैसा कि स्पष्ट है। ऑर्डर क्या कहलाएगा, हेट्रोसाइफोनेल्स, ठीक है। साइफोनेल्स इसलिए क्योंकि इसमें साइफोनिन एवं साइफोजेंथिन प्रेजेंट है। स्पेसिफिक टाइप के क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाले जेंटोफिल जिन्हें हम कहते हैं साइफोनिन एंड साइफोजेंथिन, इस कारण इसका ऑर्डर जो है हेट्रोसाइफोनेल्स कहलाया। फैमिली वाउचेरियसी और वाउचेरिया इसका स्पीसीज कहलाएगा, ठीक है। जो जीनस है वो वाउचेरिया, वाउचेरिया के लगभग हम देखें 40 स्पीसीज अभी तक आइडेंटिफाई कर ली गई है। 9 स्पीसीज इंडिया में आइडेंटिफाई की गई है, 9 प्रजातियों को भारत में खोजा गया, जिसमें मुख्य रूप से वाउचेरिया सेसाइलिस, वाउचेरिया जेमिनेटा ये स्थलीय प्रजातियां हैं, ठीक है, जो विंटर सीजन में बहते हुए फ्रेश वाटर एल्गी में कम गहरे गड्ढों में, पॉन्ड्स में, लेक में पाई जाती है। वाउचेरिया एक एम्फीबिया स्पीसीज है जो कि वाटर एंड टेरिस्ट्रियल, अर्थात जल और स्थल दोनों जगह पर पाई जाती है, दोनों स्थानों पर ग्रोथ करती है।
तो इसमें हमने आज देखा, इस वीडियो में हेट्रोसाइफोनल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स दो मेंबर हैं ओनली, बॉट्रीडियम एवं वाउचेरिया। बॉट्रीडियम एवं वाउचेरिया, वाउचेरिया के अब हम डिटेल से पढ़ेंगे, बॉट्रीडियम के डिटेल से जो है स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे और उनके बारे में जानकारी देंगे। थैंक यू।